सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर न्यू वीडियो तो आप सबको इन्फॉर्मेशन है कि हमारे असम यूनिवर्सिटी के जो और सेमिस्टर एग्जामिनेशन थे उसे कैंसिल कर दी गई है तो कैंसिल के साथ साथ उन्होंने असाइनमेंट रिलेटेड कुछ पॉइंट्स uh, दिए हुए हैं जैसे आप लोगों के प्रैक्टिकल जो पेपर्स से उसके ऊपर आप लोगों को होम असाइनमेंट दिए जाएंगे जितने भी हमारे स्ट्रीम्स है साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स तो सबके सिलेबस दिए हुए सो so, आप अपने सिलेबस में देख सकते हो ए डबल सी करके एक पेपर्स होते हैं हर सेमिस्टर पे जिसे हम एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स कहते हैं और साथ में एसईसी करके और एक पेपर्स होते हैं जिसे हम लोग स्किल्स इनहेंसमेंट इलेक्टिव कोर्स कहते हैं तो ये जो दो पेपर्स आप लोगों के हैं इन दो पेपर्स के असाइनमेंट्स दिए जाएंगे तो उन असाइनमेंट्स को आप लोगों को सबमिट करना होगा और इन पेपर्स के जो असाइनमेंट्स हो गए उसके बेसिस में मार्क्स दिए जाएंगे उनके और बाकी जो अदर्स थ्योरी पेपर है उनका ऑलरेडी एक कमेटी गठन की जाएगी वही कमेटी डिसाइड करेगी कैसे उनके पेपर्स के मार्क्स दिए जाएंगे और प्रैक्टिकल पेपर्स के भी होम असाइनमेंट दिए जाएंगे उसके बेसिस में आपको मार्क्स दिए जाएंगे तो आप क्वेश्चन आती है असाइनमेंट आप लोग को कैसे मिलेगा और आप लोग असाइनमेंट को लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अपडेट दी गई तो उसमें कहा गया कि जितने भी कॉलेजेस से रेस्पेक्टिव कॉलेजेस सारे कॉलेजेस के वेबसाइट में आप लोग को असाइनमेंट दिए जाएंगे क्वेश्चन जो होंगे असाइनमेंट के दिए जाएंगे और नहीं तो आप लोग को कॉलेज से कलेक्ट करना होगा नेक्स्ट 30 जून तक यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया है तो 30 जून के अंदर कॉलेज को ये जो असाइनमेंट बेसिस है ये क्लियर करना होगा और यूनिवर्सिटी को जो मार्क्स होंगे असाइनमेंट के वो सेंड करना होगा तो असाइनमेंट के जो प्रोसीज़र होंगे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चन कलेक्ट करना होगा आपके रेस्पेक्टिव जो कॉलेजेस की वेबसाइट है नहीं तो आपको कॉलेज जाके कलेक्शन करना होगा सेकेंड उसी जो क्वेश्चन होंगे उसको आपको आपको शीट शीट जो होते हैं में आंसर लिखना होगा उसके बाद उसको कैम स्कैनर स्कैनर या फिर जो है उससे आपको स्कैन स्कैन करना होगा करने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा कन्वर्ट करके आपको एक डेट्स दिए जाएंगे कॉलेज की तरफ से उसी डेट के अंदर आपको जीमेल अकाउंट जो दिए जाएंगे उसमें आपको ये सेंड करना होगा तो ये है आपका टोटली प्रोसीजियोर जिसके थ्रू आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करना होगा फिर कॉलेज ये आप लोगों से कलेक्ट करेंगे जीमेल के थ्रू उसके बाद उसमें जो कॉलेज मार्किंग दिए जाएंगे उसी मार्क्स को थर्टी जून के अंदर कॉलेज को यूनिवर्सिटी को सेंड करना है नेक्स्ट उसी के ऊपर बेस करके आप लोग के जो सेमिस्टर के मार्क्शीट है वो मार्कशीट प्रिपेयर किए जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट अपडेट्स मिली थी जो मैंने आप लोगों से शेयर किए ताकि आप लोग को थोड़ा असाइनमेंट बनाने में मदद मिले सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी